इस्लामिक देश मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने हमास के साथ अपने रिश्तों की खुलकर वकालत की है। उन्होंने कहा कि हमास को गाजा के लोगों ने चुना है और मलेशिया हमास के साथ अपने संबंधों को कायम रखेगा। मलेशियाई प्रधानमंत्री ने कहा कि वो पश्चिमी देशों के दबाव में आकर हमास की निंदा नहीं करेंगे। अनवर इब्राहिम ने सोमवार को मलेशिया की संसद में कहा कि बैठकों में पश्चिम के अधिकारी बार बार मलेशिया से हमास के हमलों की निंदा करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार पश्चिम के रवैये से सहमत नहीं है। इसराइल पर हमले को लेकर जहां इस्लामिक देश भी हमास के साथ खड़े होने से बच रहे हैं, वहीं मलेशिया खुलकर हमास के साथ खड़ा है। आपको बता दें, मलेशियाई पीएम अनवर ने कहा कि मैंने उनसे यानी पश्चिमी देशों से कहा है कि हमास के साथ हमारा रिश्ता हमारी नीति रही है और ये रिश्ता आगे भी कायम रहेगा। इस तरह हम उनके यानी पश्चिमी देशों के दबाव वाले रवैये से सहमत नहीं हैं, क्योंकि हमास गाजा में जनता की तरफ से चुनकर आया है और गाजा के लोगों ने उन्हें नेतृत्व करने के लिए चुना है। इतना ही नहीं, 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर बड़े पैमाने पर हमला कर दिया था। ये दशकों में इसराइल पर हमला पहला बड़ा हमला था। पश्चिमी देशों ने हमास के इस हमले की कड़ी निंदा की है और दूसरे देशों से भी आग्रह किया है कि वो इसराइल का समर्थन करें। इसराइली अधिकारियों के अनुसार हमास लड़ाकों ने इसराइल पर हवा, जमीन और समुद्र के जरिए हमला कर करीब 1400 लोगों को मार दिया, जिसमें अधिकतर आम नागरिक थे। वहीं फिलिस्तीनी अधिकारियों के अनुसार गाजा पर इसराइल की बमबारी में कम से कम 2750 लोग मारे गए हैं और लगभग 10,000 लोग घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, 60% मुस्लिम आबादी वाला देश मलेशिया फिलिस्तीनी अधिकारों का मुखर समर्थक कर रहा है और इसराइल के साथ उसकी राजनीतिक संबंध नहीं है। पिछले हफ्ते अनवर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आलोचना करते हुए कहा था कि इसराइल हमास संघर्ष पर पूरी दुनिया का रुख एक तरफा है। उन्होंने एक्स पर किए गए एक ट्वीट में कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय फिलिस्तीनी लोगों के प्रति सभी प्रकार की क्रूरता और उत्पीड़न को लेकर एक तरफा रुख बनाए हुए है। फिलिस्तीनियों की जमीन और संपत्ति पर लगातार इजराइल कब्जा करता जा रहा है। इस अन्याय की वजह से सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान गई है। मलेशिया फिलिस्तीनी लोगों के संघर्ष के साथ एकजुटता से खड़ा है। इससे पहले मलेशियाई विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से युद्ध विराम का आह्वान करने का आग्रह किया था। शुक्रवार को राजधानी कुआलालंपुर में लगभग 10,000 मुसलमानों ने रैली कर फिलिस्तीनियों के प्रति अपना समर्थन जताया था। इस दौरान फिलिस्तीन की आजादी के नारे लगाए गए और इजरायली झंडे को जलाया गया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।